subscribe now and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कैजुअल इंडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी हार्ड डिस्क के पार्टीशन किस प्रकार डिलीट करें या रिमूव करें और उससे किसी हार्ड ड्राइव में मर्ज किस प्रकार करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में ज्वाइन जाइए। सिर्फ आपको रेड कलर का आइकन पर क्लिक कर देना है और हमारे चैनल में ज्वाइन जाएंगे। तो चलिए हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम हार्ड डिस्क के पार्टीशन को रिमूव करें। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये मैं अपना पीसी खोल रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यू वैल्यूम जी के नाम से मेरी फाइल है, हार्ड डिस्क का पार्टीशन मैंने बनाया था, तो मैं इसे रिमूव करूँगा। तो आपको दिस पीसी पर जाकर यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर देना इसके आइकन पर और यहाँ पर आपको चले जाना मैनेज पर। तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ आपको स्टोरेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर चले जाना है। तो आपको यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पूरे हार्ड डिस्क की जो भी पार्टीशन आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मेरे जो डी ड्राइव का पार्टीशन मैंने बनाया था 35 GB का, तो मैं इसे रिमूव करूँगा। सबसे पहले आपको जिस हार्ड डिस्क के पार्टीशन को रिमूव करना है उस पर जाकर राइट बटन क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको शो होने लगा फ्री स्पेस। फिर आपको यहां पर इस पर जाकर जिस पर आपको ऐड करना है, तो आपको यहां पर जाकर एक्सटेंड वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, फिर आपको फिनिश कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो भी डी ड्राइव का है हार्ड डिस्क पार्टीशन वो पूरी पूरा शो होने लगा है। तो आप ये देख सकते हैं कि वो पूरा शो होने लगा है, पूरा 98 GB शो हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पर, तो आपको यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम शो नहीं होगा। लेकिन जब आप हार्ड डिस्क का पार्टीशन बना लेते हैं जिस हार्ड डिस्क का यूज करके, तो सिर्फ वो उसी हार्ड डिस्क में ही ऐड होगा, किसी अनदर हार्ड डिस्क में ऐड नहीं होगा। तो आप इस प्रकार हार्ड डिस्क का पार्टीशन रिमूव और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कैसी लगी जानकारी, आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल ज्वाइन जाइए।